तो हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। नवाभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम आपका जो क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का सेट टू जो सेट थ्री जो आ गया उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये सेट थ्री है, जल्दी से देख लीजिए कैसा इसका सॉल्यूशन होगा। तो आज ही इसको लाया गया, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करवा देते हैं बच्चों, और एकदम एग्जैक्ट सही सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, है ना। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, और मैं बता दूं बच्चों कि आपके लिए एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, उस टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़ जाइए। जो दिख रहा है नाम बोर्ड आभा जैक बोर्ड, इसको आपको टेलीग्राम ऐप खोल के सर्च मारना है, और जब नाम ये दिख जाएगा ये ग्रुप, तो जाके ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा मैंने इस ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं लिंक से। अगर लिंक से नहीं जुड़ पा रहे तो नाम लिख के सर्च कीजिएगा तो जुड़ जाइएगा। तो चलिए बच्चों सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं, एक एक नंबर वाले। तो देखिए बच्चों, हर क्वेश्चन में आपको अभाज्य गुणनखंड पूछा जाता है, प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो इसको जरूर कर लीजिए, और अगर अभी तक बच्चों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। नौ आभा बोर्ड आभा को सभी के सॉल्यूशंस यहाँ पे समय के साथ कराए जा रहे हैं, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 156 को देखिए बच्चों अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना, चलिए हम करके देख लेते हैं। 156 को 2 से जाएगा बच्चों, 2 से बन जा 15, और 1 इधर गया, 28 जा 16। फिर इधर देखिए 2 3 जा 6, और 2 9 जा 18, और फिर 3 बार में चल जाएगा बच्चों, कितना बार में, 3 1 जा 3, 3 3 जा 13। तो 2 × 2 × 3 × 13, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 × 2² × 3 × 13, यही ना आएगा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ मिल रहा है बच्चों, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। अब चलिए सेकंड में देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है शून्यकों की संख्या। तो आपको पता है कि कोई भी शून्य की संख्या कितनी होती है, जब कोई भी ग्राफ आपको एक्स एक्सिस को जितना बार काटते हैं, यहाँ 2 बार काट रहा है देखिए, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 2 शून्य यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए बच्चों इसका अगला प्रश्न में चल जाते हैं। देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे दिया गया है कि निम्न में द्विघात समीकरण कहाँ नहीं होंगे, कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए द्विघात समीकरण कौन नहीं है मैं बता दे रहा हूँ, ये द्विघात समीकरण दिख रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है, और इधर एक्स स्क्वायर वाला कहीं से पद नहीं कटेगा, तो यह है। फिर इधर देखिए बच्चों 2x² इधर बन जाएगा, और इधर x स्क्वायर, तो इधर 2x² बनेगा, और इधर x स्क्वायर बनेगा, तो x स्क्वायर रह जाएगा, है ना, लास्ट में घट के। तो ये भी समीकरण है द्विघात समीकरण, लेकिन ये देखिए बच्चों ये दोनों द्विघात समीकरण नहीं, यहाँ पे एक क्यूब है, तो ये त्रिघात समीकरण है, तो ये भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, तो दोनों कट जाएगा, तो ये भी नहीं है, तो दोनों नहीं है। और जबकि आपको एक ही टिक मारना है, तो दोनों टिक मार दीजिएगा जब ऐसा क्वेश्चन है तो, ठीक है। अब देखिए बच्चों फोर्थ नंबर में पूछ रहा है कि कोस 848 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यहाँ पे स्क्वायर लिख दिए, 40 डिग्री होगा, ठीक है, का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों कोस आपको पता होगा 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये तो आपको पता होगा। तो कोस 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 42 डिग्री। तो डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट बन जाएगा साइन 42 डिग्री इधर हो जाएगा, और माइनस फिर साइन 42 डिग्री हो जाएगा दोनों, तो दोनों दोनों घट के कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे आपको सार्वंतर पूछ रहा है, तो डी आपको पता है क्या होता है, a2 - a1, दूसरा पद माइनस पहला पद घटा दीजिए, ये दूसरा पद है और ये पहला पद है, तो 5/3, ये 5/3 है, माइनस 1/3 कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए तो कितना आएगा, 5/3 माइनस 1/3, 3 कॉमन आ जाएगा, और 5 - 1 कितना जाएगा, 4/3, कहाँ दिख रहा है बच्चों, ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही इसका सार्वंतर हो जाएगा, जिसको डी कहा जाता है। अगला देखिए बच्चों आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आसान क्वेश्चन था, पाई आर स्क्वायर होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कौन शांत है, तो किसका शांत है बच्चों, तो आपको पता होगा 2n × 5⁵ रन के रूप फॉर्म में रहना चाहिए, इसे रहता है ना, 2 दी पावर m और 5 टू दी पावर n के फॉर्म में रहना चाहिए, है ना, जहाँ पे m और n पूर्ण संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 7 लग गया तो ये नहीं होगा, यहाँ पे भी 7 लग गया बच्चों तो ये भी नहीं होगा, ये शांत नहीं होगा। अब चलिए इसका चेक करते हैं, तो 4, 5, 5 को हम क्या करते हैं, चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता है भाई गुणनखंड, तो 5 बार में जाएगा बच्चों, 5 बार में, 5 × 9 = 45, और 5 × 5 फिर 7 × 7 13 × 7 = 91। तो देखिए बच्चों 7 भी आ गया 13 भी आ गया, तो ये भी नहीं लगेगा। लेकिन 8 को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, 2 दी पावर 3 आपको याद होगा, तो ये 8 वाला हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही है, यही शांत होगा। 2 दी पावर m × 5 टू दी पावर m के फॉर्म में लिखा गया, इसको फॉर्म में अगर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, 2 दी पावर 3 / 5 टू दी पावर 0, 0 भी रख सकते हैं ना, तो 5 टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, बहुत सारे बच्चे इसको 0 आंसर बोलते नहीं, 5 किसी भी का पावर 0 1 आंसर होता है, याद रखिएगा, 8 टू दी पावर 0 = 1 होता है।
अगला देखिए बच्चों 96 और 404 का एचसीएफ पूछ रहा है बच्चों, तो दोनों विधि से मैं बता देता हूँ इसको, एक भाग विधि से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका किताब में दिया गया तो उस विधि से मैं भी बता दूंगा। तो 1 बार में जाएगा बच्चों, देखिए सॉरी 4 बार में जाएगा, है ना। 4 बार में कितना होता है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन करके देखिएगा 384 आता है, ठीक है। कितना बचा 20, ठीक है। तो 20 में फिर ये वाला यहाँ पे भागा लग जाता है, आपको पता होगा, है ना। तो फिर यहाँ से 96 बार में कितना बार में जाएगा, 20 चौके 80, 16 बचा, है ना बचा। तो फिर कितना हो जाएगा 16, और ये जाके बीच में चल जाएगा 20, 16 एकम 16 4, और ये फिर 16 आएगा तो 16, देखिए बच्चों 4 चौके 16 कट जाता, तो ये 4 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 4 इसका एचसीएफ आंसर सही है, ए ऑप्शन सही होगा। और अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं भी बता देता हूँ, देख लीजिए 96 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 96 को 2 की 2 2 चौके 8, 1 2 16, देख लीजिएगा एक बार, 2 2 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 2 4, और 2 6 12, और 2 3 6, क्या लिखे बाबू, 2 के 5 पावर होंगे, 5 बार गुना है ना, तो क्या लिखेंगे, 2 द पावर 5, और गुने कितना है 3, ये कितना हो गया बच्चों, 96 बराबर हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने निकाला उसी तरह 404 का आप यहाँ निकाल सकते हैं, देखिए बच्चों 2 से जाएगा, 2 2 4, 202, और फिर 200 और 101 आएगा, तो देखिए बच्चों 101 आपका भाई संख्या है तो इसको नहीं लिख सकते हैं, तो 404 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 101, या ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 101, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं आगे, इसको मिटा देता हूँ पहले मैं, तो देखिए बच्चों इन दोनों में हमको कॉमन संख्याएं पकड़ना है कि कौन दोनों में से उभयनिष्ठ होगा। तो देखिए बच्चों उभयनिष्ठ कौन दिख रहा है आपको, उभयनिष्ठ आपको कौन दिख रहा है, तो उभयनिष्ठ आपको यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है 2 द पावर 5, है ना, और यहाँ 2 द स्क्वायर, तो कॉमन कौन आ रहा है, 2 का स्क्वायर दोनों तरफ है, देखिए 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे भी है कम से कम, तो दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर, तो कितना आंसर होगा, 4 आंसर होगा बच्चों, देख रहे हैं, तो 4 आंसर होगा, उभयनिष्ठ संख्या आंसर होता है, याद रखिएगा। जैसे अगर 2 × 2 इधर ऊपर में रहे 3, और इधर 2 और 2 रहे तो 2 ही तो मिलता है ना, तो जो कॉमन रहता है वही लेते हैं उभयनिष्ठ, तो 4 आंसर होगा। यदि शून्यको का योग और गुणनफल दिया हुआ बच्चों, तो द्विघात से द्विघात बहुपद क्या होगा, आपको पता होगा द्विघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है बच्चों, मैं एक बार बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, कोई भी अगर समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हो इक्वल टू जीरो, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा, उसको हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर होगा शून्यकों की या शून्यकों का योग, यहाँ पे आगे माइनस लगाए हैं देख रहे हैं, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ऐसे होता है बच्चों, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर मैंने लगा दिया, और शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 0, तो 0 का कोई फायदा नहीं है, प्लस और शून्यकों का गुणनफल √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 आंसर सही होगा बच्चों, कौन दिख रहा है, ए ऑप्शन सही होगा, 9 का ऑप्शन नंबर A1 सही होगा। 10th नंबर में देखिए बच्चों पूछ रहा है कि निम्न से शून्य क्या होगा, शून्य क्या होगा, देखिए बच्चों यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, इसका पहले निकाल लीजिए शून्य को कोई योग कितना होगा, -b/a होता है, तो कितना होगा इसका फॉर्मूला से देखिए, तो -b/a होता है, याद रखिएगा शून्य को का योग, और शून्य को का गुणनफल होता है c/a, याद रखिएगा शून्य को का गुणनफल और ये शून्य को का योग है, बता दिया मैंने। तो यहाँ से चलिए चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, बी के जगह में कितना है बच्चों, -1 है, तो -1 और फिर उसके आगे -1 लगेगा ऐसे, और ए की जगह में कितना है 3, तो कितना आना चाहिए दोनों को जोड़ के बच्चों, 1/3 आना चाहिए जोड़ के, कितना आना चाहिए जोड़ के 1/3, तो देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो नहीं आएगा 1/3 नहीं आने वाला आपको, इनको भी जोड़ के नहीं आएगा, इनको भी जोड़ के नहीं आएगा, सिर्फ इसको जोड़ के 1/3 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ये ऑप्शन सही होगा, देख लीजिए जोड़ के 4/3 - 1, है ना, इसको जोड़िए 4 और -3 कितना आ गया 1/3 आ गया ना, तो यही 1 ऑप्शन इसका ए ऑप्शन सही होगा बच्चों, पूरे अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए बच्चों अगला 11 नंबर में दे रहा है कि अगर डी विविक्तर आपका डी जब आपका 0 से बड़ा रहता है बच्चों, तो याद रखिएगा कि वास्तविक बनते हैं और असमान अलग अलग हमको मूल प्राप्त होते हैं, जब बराबर रहते हैं अगर ये रहता डी बराबर 0, तो याद रखिएगा वास्तविक और समान वास्तविक और बराबर मूल प्राप्त होते हैं, और जब छोटा होता है तो काल्पनिक, तो यहाँ पर तो ज़्यादा दिया हुआ है, क्या होगा वास्तविक और असमान, ठीक है, तो ये होगा बी ऑप्शन सही। अगला देखिए बच्चों आपको पता होगा किसी भी समकोण त्रिभुज में ये जो थीटा होता है
लम ए कर ए क्या बोलते हैं इसको बच्चे सर बच्चों, टेन थीटा, टेन थीटा किसका बराबर, किसका लम के लम बटा आधार होता है, याद रखिएगा लम बटा आधार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। लम किसको बोलते हैं एक बार बता देता हूँ, लम इसको बोलते हैं बच्चों, इसको आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। और पी बाई एच किसका होता है बच्चों, इसको जिसको किसको हम पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच भी होता है, याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको ये वाला थ्योरम आपको पता होगा कि जब समांतर रेखाएं प्राप्त मतलब काटती है तो ये दोनों भी एक जैसे आपको यहाँ से हो जाता है, त्रिभुजों के गुण में आपने पढ़ा होगा। तो ये जब डेढ़ का दुगुना तीन है तो यहाँ पे क्या होगा, एक का दुगुना दो होगा। तो दो ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों, 13 का ए ऑप्शन सही होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से आपको आंतरिक और दो बिंदु दिए हुए हैं, एक्स वन और एक वाई टू, वाई वन और एक्स टू वाई टू, और दोनों को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को एम वन एम टू के अनुपात में आंतरिक रूप से यहाँ पे पूछा हुआ बच्चों, एक बाह्य रूप से और एक आंतरिक रूप से। तो आंतरिक वाला का फॉर्मूला क्या होता है, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बाई एम वन प्लस एम टू, किस में मिल रहा है बच्चों, ए वन वाला ऑप्शन में मिल रहा है, देख लीजिए मिला के। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसी तरह वाई वन वाला भी आंसर होगा, है ना, दोनों सम मतलब कि एम वन वाई वन उसी तरह फॉर्मूला लिख सकते हैं आगे। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तो आपका बाह्य वाला का फॉर्मूला है, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, बाह्य वाला भी पूछ सकता है अगला बार। कोस 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/2, याद कर लीजिएगा, अभी तक याद नहीं किया आपने, टेबल नहीं याद किया है, टेबल से क्वेश्चन देख रहे हैं डायरेक्ट पूछ रहा है। तो 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 में देखिए बच्चों, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। देखिए बच्चों यहाँ पर गलत थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया है, कोट थीटा ऐसे लिखा हुआ होगा। और देखिए बच्चों अगला क्या पूछ रहा है, 17 नंबर में कि कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होगा बच्चों याद रखिएगा, थीटा बाय 360 डिग्री और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है तो पाई आर स्क्वायर, किस में मिल रहा है बच्चों, ये आपको बी ऑप्शन में सही दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। अगला देखिए बच्चों, शंकु का इसमें से क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बी ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों। वर्ग अंतराल पूछ रहा है बच्चों 30 और 40 का, तो क्या होता है वर्ग अंतराल का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है वर्ग अंतराल का, वर्ग चिन्ह का, सॉरी वर्ग चिन्ह पूछ रहा है ना सर बच्चों, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई टू, यही होता है। तो उच्च सीमा मेरा 40 है बच्चों और माइनस निम्न सीमा 30 है, तो बटे दो कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी प्लस होता है बच्चों, मैं गलती से थोड़ा सा गलती बोल दिया, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, याद रखिएगा प्लस यहाँ लगता है, निम्न सीमा बटे दो। तो क्या हाथ जोड़ देंगे, 40 है उच्च सीमा, निम्न सीमा है 30 और उच्च सीमा है 40, बटे दो कितना हो जाएगा 35 आंसर आएगा। तो 35 आपका ऑप्शन नंबर बी में सही है बच्चों। अगला देखिए बच्चों, 20 नंबर पूछ रहा है कि इन 52 पत्ते हैं और उसमें से इक्का के निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों आपको प्रायिकता का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रायिकता का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, कुल संभावित प्रायिकता का फॉर्मूला याद रखिएगा, कुल संभावित है ना घटनाएं जो पक्ष में हो, जो अनुकूल हो, लिख सकते हैं जो अनुकूल हो, आप लिख लीजिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, और नीचे कुल संभावित घटनाएं, ऊपर लिख दीजिए अनुकूल घटनाएं और नीचे संभावित घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं 4 हैं, सिर्फ 4 इक्का होता है बच्चों, याद रखिएगा 52 में, है ना, और 4 भी होता है ना चिड़ी, ईंट का और पान का पत्ता, इस तरह करके 4 में होता है और कुल पत्ते 52 होते हैं। तो काट दीजिए 4×1=4 और 4×13 बार में कट जाएगा, तो 1/13 इसका आंसर सही होगा बच्चों, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से कुछ भरने वाला है, यदि किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखल के रूप में होता है, ये वाला फॉर्म में रूप में नहीं होता है, सॉरी लिखा हुआ है नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अशांत हो जाएगा। तो अशांत यहाँ भराएगा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा दिए, तो आपको बताया था अभी मैंने कि शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, तो ये वाला भराएगा -b/a वाला। अब देखिए बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, तो ये भरा जाएगा। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और डी होता, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस n-1 × d होता है, n माइनस होता है, याद रखिएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये वाला भरिएगा जो मैं गोल कर दे रहा हूँ बीच में। समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान में क्या भराएगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 12 14 दिया है, तो आपको पता होगा कि शॉर्टकट में सोचिए, तो ए में कितना जोड़ेंगे कि जितना जोड़ेंगे इतना उतना ही जोड़ के यहाँ आना चाहिए, यहाँ 26 दिया है, यहाँ तो यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे ब्लैंक दिया 26, तो यहाँ देखिए बच्चों 12 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, तो 12 आंसर सही होना चाहिए, है ना, क्योंकि 2 में 14 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो फिर नहीं सेम जुटेगा, तो 12 ही होगा, ताकि 2 12 और यहाँ 12 है बक्सा में
और यहाँ 26, तो यहाँ पे भी 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। सॉरी सॉरी मैं गलती बता रहा हूँ थोड़ा सा। इसका आंसर बच्चों 14 होगा, है ना, तभी ऐसे होगा 2, 14 और 26, ताकि 12 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा और इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, तो 14 आंसर इसका सही होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या पूछ रहा है, बुधायन प्रमेय को क्या कहते हैं, तो याद रखिए बुधायन प्रमेय त्रिभुज के तीनों भुजाओं को मतलब कि उसमें काम आता है, तो वो किस में आता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय में तीनों काम में आते हैं और तीनों के गुणधर्म से बना हुआ प्रमेय है। वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, याद रखिएगा। कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा बच्चों, तो याद रखिए थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2πr, तो इससे एक बार कट गया तो 180 हो गया बच्चों, दो बार से क्या आ जाएगा, थीटा इंटू पाई आर बटे 180 डिग्री, जो कि आपका ये वाला मिल रहा है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा जो बीच में दिख रहा है। अब शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताओ बच्चों, ये होता है पाई इंटू आर वन प्लस आर टू इंटू एल, जहाँ पे एल क्या है बच्चों, तिर्यक ऊंचाई है, याद रखिएगा तिर्यक ऊंचाई, और एच होता है ऊंचाई, तो ये वाला आपको ऑप्शन गलत है, ये वाला भराएगा। तो इस तरह से बच्चों मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव था, जितने भी आपके जो छोटे क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस भी आसान है, आप बना सकते हैं। इसमें से देखिए जैसे कि टेन थीटा दिया हुआ है, तो ये आपको मैंने अभी बताया कि क्या दिया हुआ है, पी बाई बी दिया हुआ है, तो यहाँ से एच निकल सकता है। तो इस तरह से करके इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और बना लीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले बच्चों, और हमारे बाकी सब्जेक्ट के वीडियोज़ भी आई बटन में डाले हुए, उनको देख लीजिए। और बच्चों मैं आपके हिंदी का मैं करवा रहा हूँ क्रैश कोर्स बच्चों, हिंदी व्याकरण का। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मेरा क्लास ले लीजिए सर, तो मैं हिंदी व्याकरण का आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ, तो उसको कर लीजिए। अभी क्रिया डाल दिया गया, अनेक कार्तिक शब्द डाल दिया गया, उससे बहुत ही अच्छा रहेगा, परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन उससे आएंगे बच्चों, तो आप जरूर से कर लीजिएगा। वाक्य अवयव सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाला हूँ, क्रैश कोर्स है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, धन्यवाद।